सिन्नौर तालुका के सूरा सामड़ गांव में स्थित पशु के तबेला में कल रात जंगली जानवर तेंदुए ने एक पशु पर जानलेवा हमला करते हुए स्थानीय विस्तार में भगदड़ और घबराहट का माहौल पैदा हुआ है। सिन्नौर तालुका के सूरा सामड़ गांव की तहसील में आए वैसे राकेश पटेल के पशु के तबेले में देर रात जंगली जानवर तेंदुए ने पशु पर हमला करते हुए स्थानीय विस्तार में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ है, जिसमें तबेले में बांध कर रखे वैसे सांड पर जंगली जानवर तेंदुए ने हमला कर बाद भाग निकला था, जिसके बाद पशुपालक वैसे राकेश भाई पटेल को जानकारी होते हुए तत्काल रूप से घटनास्थल पर पहुंचने के साथ यहां पर सांड को मृत अवस्था में पाया गया, जहां पशुपालक वैसे राकेश पटेल के मुताबिक 6 महीने पहले भी इसी प्रकार से एक तेंदुए ने 2.5 साल की वैसी गाय यानी बछड़े पर भी हमला किया था। यहां दोबारा से जंगली जानवर का हमला होते हुए स्थानीय लोगों में अपने बच्चे और परिवार को लेकर एक घबराहट का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में अब वन विभाग द्वारा जल्द से जल्द ये तेंदुए को पकड़ने के लिए कवायद जारी की जाए, वैसी लोक मांग उठी है। તાલુકાના સુરાસામણ ગામમાં મારો તબેલો આવેલો છે, મારું નામ રાકેશભાઈ હસમુખભાઈ છે। ત્યાં કાલે આજે મરકેના એક મારો સાંડ હતો, તેનું 5 વર્ષના સાંડનું મારણ કરેલું છે દીપડાએ। આવું 6 મહિના પહેલાં પર અમારી વાછરડી હતી 2.5 વર્ષની, તેનું બી મારણ કરેલું છે। સરકાર અહીં આગળ પાંજરું મૂકી અને દીપડાને પકડે એવી અમારી માંગ છે।